हाय दोस्तों, आज हम दोनों मित्र आज नवरात्रि के पावन पर्व पर वैसे भी हम लोग सोमवार को मिलते हैं, आज सोमवार भी है और नवरात्रि भी है, तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज सारे जो भी पंडाल है उसको हम लोग कवर करें। हमारे मोहन भाई वर्मा जी जो हैं उन्होंने भी आग्रह किया कि आज बर्मन ज्वेलर्स कि तो सारे मतलब पंडाल का वीडियो दीजिए। तो हम लोग और वर्मा जी, मोहन वर्मा जी एक ऐसे स्थापित इंसान है कि वो हमेशा हम लोगों का हौसला अफजाई करते हैं, तो उनको तो तहे दिल से आज पावन पर्व का आभार भी है। और हम लोग बेलथरा रोड से शुरुआत करते हैं, अब चलिए आगे। और ये बेलथरा रोड स्टेशन है, यहीं से पहला पंडाल शुरू हो रहा है, यहाँ से हम लोग चलते हैं। ओके, प्रथम हम लोग बेलथरा रोड के रेलवे स्टेशन के प्रांगण में आए हुए हैं, यहाँ से प्रथम मूर्ति यहीं से शुभारम्भ है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और विशेष तौर पर मैं बता दूं, ये हमारे विनोदारिया और सीबीआई ये दोनों लोगों का स्थापित नाम है, दोनों मित्र कहते हैं तो आप लोग भ्रम में हो जाते हैं, लेकिन ये विनोदारिया जी हैं, मैं सीबीआई। और देखिए आज नवरात्रि की ये हवन यज्ञ भी हो रहा है और सारे पंडालों पर आज पूजा हो रही है, सबका दर्शन कराएंगे आप लोगों को। क्यों भाई, एकदम एकदम भाई ना। और दोस्तों ये बेलथरा रोड का एक केंद्र है मानस मंदिर, और यहाँ भी हम लोग आपके साथ हैं। जी भाई, क्या बोलेंगे इसके बारे में? पूरा बेलथरा रोड का आस्था का केंद्र यही रेलवे स्टेशन के पास मानस मंदिर है, उनको प्रणाम करते हैं। मेरा बेलथरा सुंदर बेलथरा। और आगे चलते हैं, बाल संघ जो रखे हैं उनका भी दर्शन। बाल संघ दुर्गा पूजा समिति का जो लड़के हैं उसमें खास करके एक सत्य प्रकाश नाम का बहुत ही हम लोगों का बहुत ही प्रशंसक भी है, बहुत अच्छा दिल से जो भी पंडाल का ये निर्माण होता है उसका योगदान है। पिछले बार तो बरसात में जो भी प्रांगण बना था बहुत ही आनंद आया, और इस सत्र का पंडाल बना है आप देख रहे हैं, यहाँ भी है और आगे भी एक चौकिया का क्लब भी बनाया है, तो आगे चलते हैं फिर वो भी दिखाएंगे हम लोग। बिल्कुल, और सत्य प्रकाश जी को मेरा भी बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह हर साल ऐसा बनाए कि हम लोग जैसे लोग भी यहाँ पर आकर वीडियो बनाए। राइट, और बाल संघ में हमारे ये मूर्ति के आगे जो है शंकर भगवान का जो मूर्ति लगी है बहुत ही अच्छी लगी है, क्या कहेंगे सीवी भाई इसके बारे में? हेलो, क्या बोलेंगे इसके बारे में? क्या कहना है यार, ये बेलथरा रोड का बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ का क्लब भी है, और बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद कि इतना समर्पण के साथ ये प्रतिमा और भोले बाबा का मुख्य गेट पर दर्शन करा रहे हैं, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अब चलते हैं हम आगे पंडाल में। ठीक है, चलते चलते बेलथरा रोड की प्रतिष्ठित एक प्रतिष्ठान जो है बर्मन ज्वेलर्स के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं, आगे हम अगला पंडाल भी पड़ेगा इसके लिए। ओके, वर्मा जी यहाँ पर दिख रहे हैं, अब दूरी से मैं उनको नमस्ते करता हूँ। इधर बगल में ओम ज्वेलर के सामने ठीक है प्रतिमा लगी है माता जी का, यहाँ के प्रतिष्ठित यहाँ जो है कि ये व्यवसायी लोग हैं जो हमारे गाँव में पास है, उनके यहाँ व्यक्तिगत पंडाल छोटे मोटे लोग क्लब का है लेकिन बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब शुरू किए थे तो भीड़ नहीं थी, अब धीरे धीरे
क्रमशः भीड़ शुरू हो गई है। हम लोग को वीडियो बनाना भी अब थोड़ा लग रहा है मुश्किल हो रहा है। सौभाग्य की बात है कि चलते चलते बेलखरा और भ्रमण में विनोद आर्या जो हमारे साथ मित्र हैं उनके पंडाल में उनके क्लब में मैं भी मैं आ चुका हूँ। ये गांधी ये अजीमाबाद महात्मा गांधी ये गली है। और आपका शुभ नाम क्या है? उमेश गुप्ता है। और उमेश गुप्ता जी जो यहाँ पे उसके व्यवस्थापक हैं आर्या जी आपके क्लब में लिया कर मुझे तहे मुझे बहुत याद आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके भी क्लब से उनकी हम मूर्ति चल रहे हैं ठीक है। और उमेश भाई इस मूर्ति के बारे में क्या कहेंगे अपने पंडाल की जो है? पंडाल बहुत भव्य है और मूर्ति देख लीजिए जो साड़ी है इनका जो पहनावा है प्रतिमा मैं जहाँ तक मूल्यांकन कर रहा हूँ इनकी इनका जो वो साड़ी है माता जी का जो साड़ी है मैंने बेलथान में अद्वितीय एक दिया गया है नेचुरल। और सबसे बड़ी बात है यहाँ सिर्फ माता जी है कोई राक्षस नहीं है। माता जी है नवरात्रि। और हम लोग लोहापट्टी प्रांगण में आने वाले हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है फिर भी आप लोगों के लिए सारे मित्रों के लिए जो विदेश विदेश कहाँ कहाँ देखते हैं सभी के लिए बेलथरा रोड का प्यार क्या बोलेंगे। हाँ सही बात है। सही बात है। आगे चलिए प्रांगण में उसके बाद यूनाइटेड क्लब के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। बेलथरा रोड का सबसे भी प्रतिष्ठित ये क्लब है यूनाइटेड क्लब जहाँ की महावीरी जुलूस निकलता है और दूसरा मानस मंदिर से ये गर्व करने वाला पूरा बेलथरा रोड का स्ट्रांग क्लब में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बस अभी कुछ पल में हम लोग वहाँ के प्रांगण में वहाँ की मूर्ति प्रांगण में चलते रहिए और वीडियो बनाते हैं। यहाँ का बेलथरा का पूरा हब है कॉमन जगह है यूनाइटेड क्लब के प्रांगण में हम लोग हैं और यहाँ की मूर्ति हमेशा ऐतिहासिक होती है और यह क्लब बहुत ही स्ट्रांग है। मैं तहे दिल से क्लब का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और देखिए भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है कि वीडियो लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो है हम लोग दुर्गा पंडाल देखते देखते अपने मित्र सोनू गीतांजलि वस्त्रालय यहाँ भी आ गए हम लोग क्या बोलेंगे। अरे दुर्गा पूजा कैसी है? बहुत बढ़िया। और ये श्री शारदा प्रसाद गुप्त जी के ये सुपुत्र हैं छोटे सुपुत्र हैं और वो हम लोगों का बहुत ही मार्गदर्शक थे। हम तो सीनियर हैं ये नहीं हैं इस समय प्रेजेंट में नहीं यहाँ नहीं ठीक है मेरा नाम के है। और पुरानी स्टेट बैंक गली में हम लोग आए हैं अभी शारदा गुप्ता जी के बाद ये टिंकू बाबू जो बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं यहाँ के बेलथरा रोड के और उनकी ये बर्तन की दुकान भी है जो बहुत ही प्रतिष्ठित दुकान है। और टिंकू बाबू तो खुदे बेलथरा रोड के एक छाए रहते हैं इनके लगे चिराग के पास दिए जलाने के समान है लेकिन फिर भी दो शब्द आप टिंकू बाबू कह दीजिए। हम दोनों कलाकार हैं आप दोनों लोगों की दोस्ती और आप लोगों का मीडिया पे मैं जो देखता हूँ बहुत ही सराहनीय है और आप लोग समाज के लिए बहुत समर्पित रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को
माता रानी आप लोगों को आगे बढ़ाते रहे, आपको भी आगे बढ़ाए टिंकू बाबू। हम चाहते हैं कि राजनीति में आप सकल सक्रिय रहें। बस ओके। और इसी भ्रमण में राजेश बाबू जो बहुत ही यहाँ के प्रतिष्ठित आदमी है, ये भी एक्टिव रहते हैं हम, और ये भी बहुत ही संजीदा कलाकार हैं, ये भी जो डालते रहते हैं मजा आ जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ये भी जो कटिंग करके डालते हैं और साथ में रहती है, मजा आ जाता है। राजेश बाबू हम लोग कवर कर रहे हैं, आप दो शब्द भाई साहब का तो भी लाइक करेगा, कमेंट भी करेगा। ये सभी आप ही लोगों का कृपा है, आप ही लोगों का आशीर्वाद है। डीवीडी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। राम और भूमि का जो मिलन है किया गया है, जैसे गद्दर यहाँ पे दृश्य को देखो और माते ही ये चित्र है, ये सोच बढ़िया, हम तो सोचे भी नहीं थे ऐसा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 200 रुपया और ये मार्केट में भी हम लोग आ चुके हैं, राज गारमेंट है क्या ये? हम लोग मार्केट में बीवीडी मार्केट में घुसे हुए हैं। और ये राखी आप सबसे की गई है, माता पार्वती, शिव जी माँ पार्वती और श्री गणेश जी भोलेनाथ के गोद में कार्तिकेय जी है और उधर जो है श्री गणेश जी है। यह दूसरा ये चित्र बहुत ही प्रभावित करता है, और जो भी ये कमेटी हो तो हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम असल बात हम आज इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि एक दिन पहले एसी भाई आ चुके थे, हमको नहीं लाए थे, और डीवीडी का पूरा आस्था और विश्वास इस और उनका जो भी एक प्रतिमा देख रहे हैं बहुत ही अमूल्य पत्थरों से बनाया गया, और ये हम लोगों का दुर्लभ ये दर्शन भी कर रहे हैं मार्केट में मेरा मिलता सुंदर। और डीवीडी पार्क बेलथराउड़ का ये ऐसा अनोखा संगम है कि यहाँ पिकनिक भी आप मना सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जैसे लगता है ना कि हम लोग दिल्ली और लखनऊ में हैं। अरे वाह क्या बात है। और देखिए हम लोग यहाँ आए हैं जहाँ पर बीवीडी में फ़ोटो शूट होता है, देखिए हजारों परिवार फोटो शूट कर रहे हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। हेलो भाई जो सबको प्रेरणादायी प्रेरणा देती हैं, उनका ये दरबार लगा हुआ है, बच्चे ज्ञान
यह चित्र बहुत ही भव्य लगा है, क्यों हरिया जी? बिल्कुल, हम तो ऐसे मैंने बस दूध हो गए हैं, कुछ बोल नहीं पाते। अरे भाई, आप पूजो संगीत के सरस्वती पुत्र भी हैं, तो उनका आशीष ले लीजिए। वीडियो ले रहा हूँ, एक ही हाथ दे सकता और देखिए बीवी डी के सेल्फी के लिए कितने लोग। दर्शन करा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। जय माता दी। स्मार्ट मार्केट युवा विकास केंद्र की मार्केट भी है, हम लोग चल भी रहेंगे, उसका भी दृश्य आप दिखाते रहिए। हम बिल्कुल देखिए, वहाँ दुकानें हैं साफ और मस्त। नगर का स्थापित मार्केट क्या बोला जाता है इसको? पका सकते हैं, लेकिन आधुनिक युग में ये बदल चुका है स्वरूप। हाँ, यहाँ पर मिट्टी के सामान बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिनको भी मिट्टी के सामान लेने हो उसके भी मिल जाते हैं। ओके, क्यों भाई? नगर के स्थापित भव बीवी डी के हम लोग प्रिंस, हम लोगों के मार्केट के हैं, तो उनका भी संगीत से हम लोग जा रहे थे। आप आगे जो भी डीवीडी में हम लोग देखे उनका योगदान है, बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आ रहा है। और यहाँ प्रशासन भी पूरा चुस्त दुस्त है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतने भीड़ होने के बाद भी हम लोग आनंद से पूजा देख रहे हैं। आरती का कार्यक्रम हो रहा है, क्राउड और पब्लिक इतना ज्यादा है कि हम यहाँ आ गए। और हम लोग पुलिस चौकी पर पहुँचे हैं, जिसके बाद अगला शास्त्री नगर होगा। शास्त्री नगर पंडाल, पंडाल जो है शास्त्री नगर में होगा। इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, वीडियो लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अब हम लोग सरकारी हॉस्पिटल के आगे से गुजर रहे हैं और शास्त्री नगर का आगे प्रांगण भी आ रहे हैं। और यहाँ हमारे पिताजी के मित्र जयसवाल मेडिकल स्टोर, उनके भी सामने से गुजर रहे हैं। ओके, और ये शास्त्री नगर का प्रांगण है। मूर्ति को लाइट की वजह से कर्म भूमि भी रही है शास्त्री नगर, जैसे और इस मेले का गंगा
जबली का जो संस्कृत है को हमारे बाबा श्री अम्बेडकर जी बनते जी वो देखकर हम लोग का हृदय प्रफुल्लित हो गया। मेरा बेलखरा सुंदर बेलखरा ये है यहाँ का गुलाब और ये आप लोगों को बहुत बहुत मैं साधुवाद में कर रहा हूँ कि आप लोग अशोक हम विजय दशमी के दिन बिलफरा रोड की इस सरजू के तट पर बसा बिलफरा रोड के इस मेले में आपसी सभी लोग भाईचारा बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ओके। आप हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इसी में इस क्रम को सुंदर बनाने के लिए चलते हैं।